सब्सक्राइब करें गल्फ लाइफ यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस देख सकें सबसे पहले। फ्रेंड्स, क्या आपने सुना है कि सऊदी अरब में रहने वाले जितने भी एक्सपेट्रेट हैं, जितने भी अजनबी हैं, बाहर के लोग रहने वाले, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, उनके ऊपर एक तरह का टैक्स लगने वाला है 1 जनवरी 2018 से, और ये इनकम टैक्स से रिलेटेड हो सकता है। और इसको जो है ना, आपको सिर्फ पैसे जमा करने के टाइम ही पे करना होगा, मतलब कि जब आप अपने पैसे सेंड करेंगे अपने घर के लिए, उसी टाइम ये पैसा आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे भेजते टाइम। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने भी कुछ इसी तरह का एक सवाल आया, मैंने भी सुना था, मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई इस चीज़ को लेकर, और मैंने जो इस पर थोड़ा सर्च किया है और मैंने रिजल्ट क्या पाया उसका, इस वीडियो में आपके साथ ये चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। सो हाई फ्रेंड्स, दिस इज़ साकिब मिर्ज़ा एंड यू आर वॉचिंग गल्फ लाइफ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने सुना था कि दो दो तीन जगह सुना मैंने कि ऐसा बताया गया है कि 1000 रियाल अगर सेंड करते हैं आप, तो उसके लिए आपको 50 रियाल एक्स्ट्रा देने होंगे, या तो आपके अकाउंट से कट जाएंगे, मतलब क्या आप 1000 में से 950 भेज पाएंगे। इसके अलावा किसी ने कहा कि 1000 में से 100 रियाल देने पड़ेंगे आपको। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का मामला था, टेंशन भी थी, क्योंकि सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती थी, तो मैं इसके लिए श्योर नहीं था। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या जाना है अभी तक, और मैं बिल्कुल जो है ना प्रूफ के साथ बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने किसी न्यूज पढ़ी और घटा बढ़ा के आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे सऊदी गेजेट्स है, ये ऑनलाइन वेबसाइट है न्यूज के बारे में सऊदी अरब की। तो यहाँ पे आप देखेंगे 19 दिन पहले की ये न्यूज है, इस पब्लिश हुई है। 5% वेट ऑन मनी ट्रांसफर फी, मतलब कि मनी ट्रांसफर फी पे है ये, मनी ट्रांसफर अमाउंट पे नहीं है। थोड़ा नीचे चलते हैं हम, यहाँ पे बता रहे हैं कि मनी ट्रांसफर के चार्जेस इंक्रीज होंगे 1 जनवरी से, 5% वैल्यूएटेड टैक्स वेट के नाम से, और ये मनी ट्रांसफर फीस पे लगेंगे, और ये जो है ना जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स, इसकी तरफ से ये जो है ना जो वेट है ना, इसकी तरफ से है जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स, उसकी तरफ से है ये। और ये बता रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे 5% वेट विल बी ऑन द मनी ट्रांसफर फी एंड नॉट ऑन द ट्रांसफर अमाउंट। तो फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि जो आपके 5% है वो अमाउंट पे नहीं लगेंगे, फीस पे लगेंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, कि आपका अमाउंट सपोज करो 1000 है, वो तो है ही है, आपको 25 रुपये लग रहे हैं एक्स्ट्रा, सॉरी रियाल लग रहे हैं, 25 रियाल एक्स्ट्रा लग रहे हैं सेंड करने के, तो उस 25 रियाल पे 5% टैक्स लगेगा, ना कि 1000 रियाल पे। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लीजिए, अपना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये जो है जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स, इसकी तरफ से ये अनाउंस हो चुका है, इंट्रोड्यूस वेट ऑन जनवरी 1, 2018, तो वो न्यूज़पेपर वाली साइट थी, और ये अपनी और पर्सनल साइट है। तो मैंने इसकी साइट पर भी जाके चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं फेक इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे होगा। सब ये कैलकुलेटर खोल लिया मैंने, सपोज करो अलग ये मतलब डिफरेंट टाइप के बैंक्स हैं, उसमें अलग अलग तरह के चार्जेस लगते हैं, कि 16 रियाल लगते हैं, कि 18 लगते हैं, कि 25 लगते हैं। अगर आपके 16 रियाल लगते हैं फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको 16 रियाल लग रहे हैं और 5% टैक्स देना है आपको। तो इसमें आपके सिर्फ 80 हलाल लग रहे हैं, अगर 16 रियाल आप देते हैं पहले तो 80 हलाल बढ़ेंगे आपके। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 25 रियाल लगते हैं आपके, तो आपके सिर्फ 1 रियाल और 25 हलाल बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक और आपको दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप गल्फ लाइफ चैनल को पहली बार देख रहे हैं और इस तरह की वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड है, तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, और जो पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।